इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में लोग कैसा भी रिस्क उठाने से गुरेज नहीं करते। अब ऐसा ही पानीपत के एक युवक ने सोमवार को किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये स्टंट करना उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दरअसल पानीपत जिले के एक युवक ड्राइविंग सीट पर बैठकर चलते ट्रक को आगे से उठाकर पिछले टायरों पर बैलेंस बना रहा था, लेकिन अचानक ट्रैक्टर पीछे की ओर पलट गया, जिससे युवक स्टीयरिंग और सीट के बीच में फंस गया। उसका सिर दोनों के बीच पिस गया, सिर के सारा हिस्सा बाहर की ओर आ गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है जो इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा था। देखिए ये वीडियो। पलटते ही मौके पर खड़े युवकों में चीख पुकार मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को ऊपर से नीचे उतारा गया, जिसके बाद युवक को वहां से निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान पानीपत के गांव कोराड़ के रहने वाले 22 वर्षीय नीशू देशवाल के रूप में हुई है, जिसकी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की और मृतक नीशू देशवाल के दोस्त की माने तो वो 6 माह के बेटे का पिता था। दोनों भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक के पिता जसबीर किसान हैं। मृतक पिछले 3 सालों से ज्यादातर वाहनों पर स्टंटबाजी करता था। आसपास के कई गांवों में वो अपने स्टंट के लिए फेमस भी था। उसने YouTube, Instagram समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल बनाए हुए थे, जिस पर वो स्टंट की वीडियो पोस्ट करता था। नीचू के इंस्टाग्राम पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी थी। 8 लाख से अधिक लोगों ने उसे फॉलो कर रखा था, लेकिन मौत की खबर सुनते ही नीशू के घर पर मातम पसर गया। किसी को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी वीडियो होगी, जिसे वो अपना हुनर समझ बैठा था वो उसके लिए एक दिन काल बनेगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।